राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति बटी हुई है, जबकि अच्छे दिन थम गए हैं और संसाधनों पर कब्जा कर लिया गया, ये सब हुआ इन 9 साल में। सिब्बल ने इसी के साथ 2024 के आम चुनाव में सरकार बदलने का भी आह्वान किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिब्बल का भाजपा नीत एनडीए सरकार पर हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने के एक दिन बाद आया है। उन्होंने कहा कि देश को अभी भी अच्छे दिनों की आस है। सिब्बल ने इसी के साथ इन 9 सालों में स्वायत्त संस्थानों पर सरकार के कब्जे की भी बात कही। आपको बता दें कि यूपी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे सिब्बल ने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी थी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने हाल ही में अन्याय से लड़ने के उद्देश्य से एक गैर चुनावी मंच इंसाफ शुरू किया। सरकार पर सिब्बल का हमला भाजपा द्वारा एनडीए सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को बताने के बाद आया है। भाजपा ने दावा किया है कि इन 9 सालों में देश ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास और समावेशी विकास देखा है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार। गुरु फतेह। आदाब। नौ बुद्धा।